कहते हैं कि जो है यूएस नेवी सील कमांडो की जो ट्रेनिंग होती है ना, तो वो जो एक कमांडो का कहीं इंटरव्यू मैंने सुना था, उसने बोला कि हम लोगों का ट्रेनिंग के दौरान हर साल देयर आर सम कैजुअलिटीज, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको इतनी गंभीर चोट लगती है कि वो फिर फोर्स का ही हिस्सा नहीं बचते, वो जीवन भर पेंशन पर रहते हैं, वो लोग टफ ट्रेनिंग होती है, दे बिहेव, वो जब ट्रेनिंग के दौरान दे बिहेव लाइक कि हम उनसे बड़े, और अमेरिका हम उनसे बड़े एनिमी, हमसे बड़ा कोई एनिमी नहीं, ऐसा ट्रीट करते हैं हमको वो, और यूएस का एनिमी मतलब वो तो कुछ भी करने को तैयार है उसके लिए। और वो कहते हैं सिंपल सी बात, कहते हैं कि तुमको हमने अननोन जगह पे जंगल में जाके छोड़ देते हैं, अब आपको 6 दिन के अंदर वहाँ पहुँचना है जहाँ जो स्पॉट बताया उसमें, ठीक है, आपस में कोऑर्डिनेट कीजिए, तमाम एडवर्स कंडीशन भी क्रिएट करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्या ताकि जो है वो जब असली कंडीशन आए वॉर की तो व्यक्ति बच सके वहाँ पे। रूस का और यूक्रेन का वॉर हुआ, यदि डेथ टोल देखा जाए तो रशिया लॉस मोर मिलिट्री पर्सन एज कम्पेयर टू यूक्रेन, यूक्रेन की तुलना में रशिया ने बहुत अधिक सैनिक अपने खो दिए, ठीक है, क्योंकि पावरफुल कंट्री है। बात इतनी सी थी कि रशिया कभी ऐसा कभी किया नहीं उसने, और इस तरह के वॉर में इन्वॉल्व बहुत दिन से इन्वॉल्व नहीं था, तो उसके जो ट्रेनिंग सैनिक की थी और जो यूक्रेन के सैनिक की ट्रेनिंग थी, दोनों में फर्क आ गया, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका पीछे से ट्रेनिंग देता था उसको, तुम्हें ऐसे लड़ना है, रोज रोज नया ज्ञान देता था उनको, ठीक है, बैठे गए, देश भी चला गया, सब कुछ हुआ, लेकिन उनके सैनिकों के आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यूक्रेन जो है उसने बहुत तगड़ी चुनौती, 3 साल हो गए युद्ध को, तीसरा ईयर में आ गए वो, जिसको सोचा था कि 7 दिन में खत्म हो जाएगा, ये मिसकैलकुलेट कर गए वो लोग। अब ये इज्जत वाली बात आ कि कौन पीछे हटे, कोई तो छोड़ने तैयार नहीं अब। तो ट्रेनिंग जो होती है ना वो जितनी टफ होती है ना उतना आपको हराना मुश्किल आता है, तो इसलिए जब भी पेपर होता है तो उसको ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या करता है, बहुत सबसे गंदा फॉर्मेट वही है, एक वर्ड चेंज और एक स्टेटमेंट आपने गलत पकड़ लिया, आपका आंसर पक्का गलत होना ही होना है, तो वो 4 क्वेश्चन के बराबर एक क्वेश्चन है वो, ठीक है ना। आप लोग जाने कब से बोल रहे थे मुझसे कि सर टेस्ट सीरीज को लॉन्च कीजिए, और फाइनली हम रिवाइंड टेस्ट सीरीज को लेकर आपके लिए आ चुके हैं, और इस टेस्ट सीरीज में 15 माइनर टेस्ट हैं, 4 मेजर टेस्ट हैं और 6 फुल सिलेबस टेस्ट हैं, कुल 25 टेस्ट हैं इसमें, हर एक क्वेश्चन वेल क्यूरेटेड है, हर एक हिस्सा जो टेस्ट सीरीज में आपको दिया जाएगा वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट है। इस टेस्ट सीरीज के थ्रू हम 5000 क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, उन हिस्सों को पहचानेंगे जहां पर हम आप गलती कर सकते हैं, उन हिस्सों को दुरुस्त करेंगे जहां पर आप कमजोर हैं, तो टेस्ट सीरीज आपकी सफलता के लिए एक बड़ा माइलस्टोन सिद्ध हो सकती है। तो आ जाओ रिवाइंड बैच में।